आखिरकार पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ एंट्री क्यों नहीं हुआ, इसको लेके बहुत बड़ी न्यूज आई है। और तो और ट्रिपल एच पे भी काफी ज्यादा आरोप लगा है कि ट्रिपल एच अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग बस एक काम करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब कर लो, आपको मजा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। पता है आज सुबह से मुझे काफी ज्यादा अपसेट फील हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिससे बहुत ज्यादा अटैच रहोगे वो आपको धोखा देगा तो लिटरली बर्दाश्त नहीं होता है। खैर अभी के लिए छोड़ते हैं इस टॉपिक को, मैं किसी दिन एकदम डिटेल में बात करूंगी इसको लेकर। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन खुद ही बोले हैं कि आखिरकार वो रोमन रेंस के साथ क्यों नहीं आए हैं। पॉल हेमन रिसेंटली अपने एक पॉडकास्ट देते हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि अगर मैं समरस्लैम में रोमन रेंस के साथ आ जाता ना, एंट्री कर लेता, तो कोई सेंस ही नहीं बनता मेरा रिटर्न का। और तो और पॉल हेमन ये भी बोलते हैं कि अगर मैं उस टाइम आ भी जाता तो मैं अपने रोमन रेंस का हेल्प ही नहीं कर पाता, इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं लगा कि मैं रिटर्न करूं उस टाइम। तो गाइस आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि पॉल हेमन अभी इसलिए रिटर्न नहीं कर रहे क्योंकि पॉल हेमन के पास वैसा पावर नहीं है। जैसे ही रोमन रेंस पावरफुल हो जाएंगे और उनके पास दो तीन बंदे आ जाएंगे तभी हमें दिखेंगे कि पॉल हेमन रिटर्न कर लिए और एक्नॉलेज करते हुए भी दिखने वाले हमारे पांडा यानी कि रोमन रेंस को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच को लेके अभी ये आरोप लग रहा है कि ट्रिपल एच गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पावर का। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा रिसेंटली रेबेक बोलते हुए नजर आया। अगर आप लोग रेबेक के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, रेबेक 2004 से लेकर 2016 तक काम किए थे WWE में। और ये अभी का बात नहीं है, रेबेक जब से थे ना WWE में तब से वो ट्रिपल एच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन ही लगाते रहते थे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रेबेक का प्रोफेशनल करियर उतना अच्छा नहीं था, WWE में उतना नाम भी नहीं कमा पाए थे। और तो रिसेंटली वो ये भी बोलते हैं कि ट्रिपल एच किसी को पुश नहीं देते हैं, ना ही किसी का हेल्प करते हैं, उन्हें जो लगता है वही करते हैं। रेबेक तो क्लियरली बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच सिर्फ और सिर्फ अपने पावर का गलत यूज कर रहा है। वैसे गाइस मैं जिस एंगल से WWE को देख रही हूँ ना, मुझे काफी मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैं ट्रिपल एच को बोल सकती हूँ वो लिटरली काफी अच्छा बुकिंग भी करते हैं। यार आप लोग एक चीज देखो ना, मैं भी YouTube बनाती हूँ, मुझे भी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट सभी लोग तो बोलते हैं कि तुम लड़की होकर लड़कों का कंटेंट क्यों बनाती है, तुम जाओ लड़कियों वाले काम करो। गाइस ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आता। पता है जिनके पास कोई काम नहीं होता है वही ये सब करते हैं दूसरों को टीजिंग करने का। बट मैं सच्ची बोलूं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बनाऊंगी वीडियो, बनाते ही रहूंगी। नेक्स्ट आगे बात करते रेसलमेनिया 41 के बारे में। रेसलमेनिया 41 को लेके ये कहा जा रहा है कि हमें 3 मैच वो भी ब्लडलाइन का देखने को मिल सकता है। और वो मैच कौन कौन सा होगा चलो मैं एक एक करके आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहला मैच तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये बताया जा रहा है कि द यूसोस और टोंगा ब्रदर्स का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 41 में। पता है ये मैच इतना इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें द यूसोस एक साथ काम करने वाले हैं काफी सालों बाद। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक और मैच को लेके प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। ये मैच तो इम्पॉसिबल है होना, मुझे नहीं लगता है कि ये मैच होगा इतना जल्दी। बट फिलहाल तो अभी यही न्यूज आ रहा है कि हमें जैको फाटू वर्सेस सोलो शिकवा का शायद मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 के लिए। यार सोचो ना अभी दोनों एक ही ब्लड लाइन में, और मुझे तो डेफिनेटली पता है कि जैको फाटू धोखा देने वाले सोलो शिकवा बंदर को। जब सोलो शिकवा बंदर धोखा खाएगा ना तभी उसे पता चलेगा कि अपने धोखा देते तो कैसा फील होता है। तो गाइस आगे बात करते हैं फाइनल बॉस यानी कि द रॉक के बारे में। द रॉक को लेके काफी बड़ी न्यूज आई है कि उनका एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आने वाला है, वो भी रिलीज होगा। ये बात आपको भी काफी अच्छे से पता है कि अभी सोशल मीडिया में बोलो कहीं पे भी द रॉक के बारे में कोई भी बात ही नहीं हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि द रॉक 2 या 3 मंथ बाद WWE में दिखने वाले हैं, अभी तो उनको लेके कोई न्यूज ही नहीं आया है। बट आपको पता था ना द रॉक एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे जिसकी वजह से वो WWE में दिख ही नहीं रहे थे। और आपको याद है हमें स्मैकडाउन देखने को मिला था कॉडी रोड्स के साथ, उसी में द रॉक बोले थे कि अभी मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन बाद में पक्का आऊंगा और बदला लेने वाला हूं तुमसे। बट रिसेंटली द रॉक एक पॉडकास्ट देते हुए नजर आए थे जहां पे द रॉक बोले थे कि आप लोग अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो क्योंकि मेरा फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो आप 15 नवंबर को थिएटर में जाके देख सकते हो द रॉक का फिल्म, और उस मूवी का नाम है रेड वन क्रिसमस। तो गाइस आपको पता ही है द रॉक काफी अच्छा मूवी करते हैं और उनका एक्टिंग तो बेस्ट होता है, मैं भी उनका बहुत सारा मूवीज देखी हूँ। पता है मुझे दो सुपरस्टार का मूवी काफी अच्छा लगता है, बटिस्टा का भी अच्छा लगता है, रोमन रेंस का भी और द रॉक का भी। वैसे गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दियो। बाय बाय, टेक केयर।